सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं तुहाडे नाल रोमन बाजवा। खबरां दे विस्तार तों पहले एक नज़र हुण तक दीआं हेडलाइंस ते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौलिक आर मीह कारण हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही बारे मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर नाल कीती गल। केंद्र वालों हर संभव मदद का दिता गया भरोसा। पंजाब में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 6 मौत, 128 नवे केस आए सामने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार नूं करतारपुर साहिब लांघा नूं मुड़ खोलन दी कीती अपील। प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, संगत दीआं भावनावां दी कीती जावे तरसमाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौलेधार मीह कारण हिमाचल प्रदेश विच हुई तबाही बारे मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर नाल गलबात कीती है अते केंद्र वालों हर संभव मदद का भरोसा दिता गया। शाह ने सोमवार नूं ट्वीट करके कहा कि हिमाचल प्रदेश विच मौलेधार मीह नाल आई कुदरती आफत दे संबंध विच मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाल गलबात कीती है। राहत कारजां लई NDRF दीआं टीमां जल्द उत्थे पहुंच रहीआं ने। गृह मंत्रालय स्थिति नूं लगातार मॉनिटर कर रहा है। केंद्र वालों हिमाचल नूं हर संभव मदद दिती जाएगी। इत्थे दस दईए कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के धर्मशाला ते उपरी खेतरां च बदल फटन नाल माझी खड्ड विच आए भयानक हड़ कारण पाकसू नाग समेत खेतर के हेठले खेतरां विच तबाही मची हुई है। एक महिला की मौत होने की पुष्टि हुई है। हड़ कारण खड्ड अते नाले पानी नाल भर गए ने अते इन्हां दे किनारे कई मकान झुग्गी झोपड़ियां अते सड़कां ते खड़ियां गड्डियां रुड़ गईयां ने। ते गल करिए पंजाब विच कोरोना नाल हालातां दी, तां पंजाब विच पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 6 मौतां दर्ज होईयां ने, जदके 128 नवे केस सामने आए ने। इस कारण एक्टिव मरीजां दी गिनती 1583 हो गई है, जदों के सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 597,598 हो गई है, जदों के 579,829 मरीज सेहतयाब होकर घर पड़ चुके हैं। तो गल करिए पंजाब विच बिजली संकट की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे भर में बिजली संकट नाल नजिठण लई उद्योगों उत्ते लगाईआं सारियां बिजली बंदिशां तुरंत प्रभाव नाल उठाउण दे आदेश दिते ने। मानसून विच देरी कारण खेतीबाड़ी अते घरेलू खेतर दोवां विच अणकियासी मंग कारण इह संकट पैदा होया सी। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट दे बंद पए 3 यूनिटां विचों एक यूनिट के चलन के उपरंत सूबे विच बिजली की स्थिति की समीक्षा करदिआं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड नूं निर्देश दिते ने कि सूबे भर में उद्योगों उत्ते बिजली की वरतों संबंधी लगाईआं सारियां बंदिशां नूं तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री नूं जानकारी दी गई है कि तलवंडी साबो विखे 660 मैगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होण नाल सूबे विच बिजली की स्थिति विच सुधार होया। हरियाणा विच हुण पुलिस एंबुलेंस आग बुझाओ दस्ते दी तुरंत मदद लई लोकां नूं वख-वख नंबर डायल करन दी जरूरत नहीं पएगी। सरकार ने लोकां दी इस सहूलत नूं आसान कर दिता है। हुण सिर्फ 112 नंबर याद रखना है। इस नंबर ते इह सेवावां मिल जाणगीआं। इस दा शुभारंभ प्रदेश दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वल्लों कीता गया। इस दौरान उन्हां नाल गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, पुलिस जनरल डायरैक्टर मनोज यादव भी मौजूद रहे। इत्थे दस दईए कि प्रदेश सरकार दे सी डेक यानी सेंटर फॉर डिवेलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग दे जरिए एमरजेंसी रिस्पोंस फोर्स सिस्टम प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। पंचकूला विच इस दा सूबा पद्धरी कंट्रोल रूम बनाया गया है। सी डेक नूं करीब 152 करोड़ रुपए के भुगतान तो इलावा 90 करोड़ की लागत नाल 630 नवे एमरजेंसी रिस्पोंस वहीकल की खरीद भी की गई है। ये वहीकल वख-वख एमरजेंसी यंत्रां नाल लैस होणगे।
दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार को अपील की है कि कोरोना के हालात काबू में होने के मद्देनजर करतारपुर साहिब लांघे को मुड़ खोलिया जाए। इस गलियारे के माध्यम नाल सिख श्रद्धालु गुरद्वारा करतारपुर साहिब तक की यात्रा बिना वीजे के कर सकते हैं। पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित इस स्थान से सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल बिताए सन। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब मौके नवंबर 2019 करतारपुर साहिब गलियारा खोलिया गया सी, पर कोरोना महामारी कारण यह पिछले साल मार्च महीने तो बंद पिया। अगे वधदे हां, पंजाब दे संगरूर जिले के भवानीगढ़ ब्लाकां दे पिंड आलो अर्ख विच खेतीबाड़ी ट्यूबवैलां विचों जहरीला अते लाल रंग दा पानी निकलन दा मामला नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT तक पहुंच गया। एडवोकेट ते सोशल एग्जीक्यूटिव HC अरोड़ा ने NGT नवी दिल्ली कोल अर्जी दायर करके मामला चुकया है अते दस्या है कि ब्लाक भवानीगढ़ दे पिंड आलो अर्ख ते इस इलाके च ट्यूबवैलां विचों जहरीला अते लाल रंग दा पानी निकल रहा है। पानी के गंदले होने के कारण ही शिनाखत करने की जरूरत है। इन ट्यूबवैलों का पानी सिंचाई वास्ते सही नहीं है। इस जहरीले पानी तो तैयार होने वाले फल सब्जियां ते अनाज मनुखा ते पशुओं के खाने योग नहीं ने, इससे गंभीर नतीजे निकल सकते ने। अरोड़ा ने किसी माहिर एजेंसी को जमीन हेठला पानी गंदा होने का लभण की जिम्मेवारी सौंपने की अपील की है और कहा है कि यह जहर फैलाने वाले खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है, इन्हों जुर्माना किया जाना चाहिए। किसानों नूं दरपेश इस मुश्किल का हल कढ़िया जाना चाहिए है, तो हल निकलन तक अजिहे ट्यूबवैलों की वरतों से रोक लगाने की अपील की गई है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किसानी संघर्ष लिए की जा रही सेवा में उस वेले एक होर वड्डी सफलता मिली है जदों दो होर किसानों दीआं जमानतां अदालतों वालों प्रवान हो गई है। 26 जनवरी की घटना के मामले में गिरफ्तार किए गए किसानों विचों ये आखिरी दो किसान बचे सन जिन्हों की जमानत रहिंदी सी अते हुण किसान संघर्ष जुड़े गिरफ्तार हुए सारे किसानों की जमानत हो गई है। सिरसा ने कहा कि कमेटी के लीगल पैनल के यत्ना सदका किसान इस संघर्ष न जुड़े गिरफ्तार हुए 170 किसानों दिया रैगूलर जमानत कराने विच कमेटी की लीगल टीम कामयाब हुई है, जबकि 110 होर किसानों दिया अगाऊ जमानत करवाई गई ने। उन्होंने कहा कि हुण किसानी संघर्ष में गिरफ्तार किया एक भी किसान तिहार जेल या किसी भी होर जेल में बंद नहीं है। दौरान बूटा सिंह ते गुरजोत सिंह जिहड़े लाल किले ते जांदे ने और उन्होंने सिरां ते 1-1 लाख रुपया इनाम रखा गया सी, अज दिल्ली से गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वकीलों के यत्नों के सदके उन्हों की जमानत हुई। मैं इस गल की बधाई देना चाहुंदा सारे ही किसानी संघर्ष नाल जुड़े वीरां नूं और जानकारी देना चाहुंदा है। अज गुरजोत सिंह और बूटा सिंह की जमानत तो बाद कोई भी किसानी संघर्ष नाल जुड़िया तिहाड़ जेल या किसी भी होर जेल च नहीं, सब जमानतों के बाहर आ चुके हैं। 170 के आस पास जिहड़ियां रैगूलर जमानत दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कराईया ने और 110 तो ज़्यादा एंटीसपेटरी बेलां दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इस किसान संघर्ष अंदर जुड़े लोगों की कराईया ने। मैं तुहानूं बधाई दिंदा अपने सारिआं दे इस सहयोग के सदके कामयाबी हुई। अज भी CA वाले लोग जेलां च बैठे ने पर किसानी संघर्ष के अंदर भावें उन्होंने सिरां दा मुल पाया गया होवे उन्हां चों एक भी दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किसानी संघर्ष वाले नूं जेल च नहीं रहण दित्ता। अज सारी जेल जिहड़ी आ उहदे अंदर किसानी संघर्ष का कोई भी आदमी नहीं रह गया। पार्लीमेंट का मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है जिसनों लैके किसानों वालों अपनी व्योंतपदी बनानी शुरू कर दी गई है। तो किसानों वालों गैर भाजपा मैंबर पार्लीमेंटा नूं मांग पत्र दे के अपील की जाएगी कि वह संसद विच खेती कानून रद्द कराने का मुद्दा चुकन अते किसानों का साथ देन। उन्हें भी कहा कि पार्लीमेंट के पैनल ही 200 किसान जथेबंदियों के आगुआ अते किसानों की भी पार्लीमेंट्री चलेगी जिस विच रोजाना पार्लीमेंट विच होने वाली गतिविधियां संबंधी विचार वटांदरा किया जाएगा। उन्हें कहा कि 5.5 आगू रोजाना पार्लीमेंट जाएंगे अते बाहर बैठे कैदी कानून रद्द करने की मांग करेंगे। पार्लीमेंट विच किसानों के हक विच आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्हें MP दीआं संबंधित पार्टियां नूं किसान जथेबंदियों वालों समर्थन भी दिता जाएगा। गैर BJP MP ने उन्हां नूं असीं मंग पत्र देवांगे आप दे जिन्हां नूं उहदे विच लिखिया होगा भी तुसीं पार्लीमेंट च जाना जा के साडी जिहड़ी 3 कानून ते MSP दे उत्ते कमेटी की गल करनी आ। पहला इह एजेंडा लगाउणा, इस एजेंडे तो इलावा पार्लीमेंट चलण नहीं देनी ते किसी भी हालत च वॉकआउट होकर बाहर नहीं आना, साडी गल रखनी आ उत्थे ते इहदा मसले का हल करना। जे तुसीं इह कहिंदे हो भी असीं किसानां दे नाल आ, पार्लीमेंट च कानून बन के आए आ ते पार्लीमेंट दे विच ही उह रिपील कराओ ते अंदर बैठ के सरकार नूं मजबूर कर दिओ, जिहड़ा एक ऑफिशियल लीडर दा फर्ज हुंदा उह अपना निभाओ।
हरियाणा कांग्रेस प्रधान कुमारी शैलजा ने मांग की है कि तीनों खेती कानूनों खिलाफ पिछले लगभग 7 महीने तो अंदोलन कर रहे किसानों खिलाफ वक् वक् मौकों से दर्ज सारे मुकदमे वापस ले जा। इस उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किसानों भी रिहा किया जाए। कुमारी शैलजा ने किसानों दंगा मनण की भी मांग की है तो कह कि जेकर अजिहा नहीं होया तो कांग्रेस प्रदेश भर में व्डे पद्धर से धरने प्रदर्शन करेगी। शैलजा ने दोष लगाया कि किसानों से डंडे वराए गए ने, जल तोपा का इस्तेमाल होया, उन्होंने जेलों अंदर डकया गया। उन्होंने मांग की है कि झूठे केस बना के जिन्हों किसानों गिरफ्तार किया गया है उन्होंने तुरंत रिहा किया जाए और सारे मुकदमे वापस ले जा। कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री जदों भी दिल्ली जाते हैं अपनी कुर्सी बचाने जाते हैं, किसानों की समस्यावां ते प्रधानमंत्री नाल कोई गलबात नहीं करते। बीजेपी पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा बीजेपी आगू भूपेश अग्रवाल नूं मिलने लई उन्हां दे गृह निवास पहुंचे ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे हुए उन्हां दस्सिया कि पंजाब दा माहौल कुछ शरारती तत खराब कर रहे, जिस संदर्भ विच मुख्यमंत्री पंजाब नाल भी उन्हां दे एक वफद ने मुलाकात की है ते पंजाब विच बीजेपी लीडरां उपर हो रहे हमलों बारे गलबात करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोलों गृह मंत्रालय भी होना चाहिए ते पंजाब दी कानून व्यवस्था उपर ध्यान दिता जाए। रायकोट शहर में सिटी पुलिस वालों थाना मुखी विनोद कुमार की अगुवाई में कोविड गाइडलाइनस के मद्देनज़र ढाबे होटल और रेस्टोरेंट्स की चैकिंग की गई। इस मौके जानकारी देंदिया थाना मुखी ने दसा कि कोरोना महामारी जेकर घटते मामलों देखते हुए पंजाब सरकार वालों सूबे में वीकेंड लॉकडाउन हटा दिता गया। उते ही राहत देंदिया होटलों ढाबिया रेस्टोरेंट्स बार सिनेमा मॉल्स जिम आदि व्यापारक अदारों को कुछ शर्तों के खोलने की इजाजत दी है, जिस तहत इन्होंने व्यापारक अदारों के मालकों और काम करने वाले स्टाफ तो इलावा गाहकों कोरोना वैक्सीन की लगवाण और कोविड गाइडलाइनस की पालना करने की हदायत दी गई है। इस चलते सिटी पुलिस की टीम वालों रायकोट शहर के ढाबिया होटलों और रेस्टोरेंट्स की चैकिंग की गई, जिस दौरान मालकों से काम करने वाले स्टाफ वालों कोरोना वैक्सीन लगवाण संबंधी जानकारी हासिल की गई ते ना लगवाण वालों जल्द वैक्सीन लगवाण की ताकीद की गई है। उते ही समूह व्यापारक अदारों में कोविड गाइडलाइनस की पालना भी यकीनी बनाने संबंधी सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिलौर के मोहल्ला पंडेरा की वासी औरत ने अपनिया दो नन्नी बच्चियों नूं जहरीली दवाई पिलाई जिस नाल एक बच्ची की मौत होने की खबर है जबकि दूजी बच्ची इलाज लई डीएमसी लुधियाना दाखिल है। थाना फिलौर के एसएचओ ने परिवार के बयान से मां हीना पत्नी गौरव के पेके परिवार से मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई आरंभ दी है। खबरों के इस बुलेटिन से नहीं अगले बुलेटिन में विराजमान होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दियो, धन्यवाद।